हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद किन्नरी। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप दिवाली में काम कर करके थक गए हैं और कोई इंस्टेंट मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये इंस्टेंट काजू कतली बहुत ही परफेक्ट रहेगी, जिसमें ना ही कोई तामझाम है, ना ही गैस को जलाना है, ना ही चाशनी बनाने की झंझट। फिर भी ये काजू कतली जो है बहुत ही यमी और टेस्टी बनके तैयार होती है, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए फटाफट काजू कतली कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉल भर के काजू लिए हैं और ये टुकड़ी काजू है, लगभग 250 ग्राम जितने काजू है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और रेगुलर काजू से थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। आपके पास जो काजू अवेलेबल हो आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में पहले हम काजू का पाउडर बना लेंगे। तो एक मैंने मिक्सचर जार ले लिया है, उसमें सारे काजू डाल देंगे। अब यहाँ मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा कि मिक्सचर को हमें कॉन्स्टेंटली नहीं चलाना है और पल्स मोड में ऐसे रुक रुक के चलाएंगे। ये देखिए, अगर कॉन्स्टेंटली मिक्सचर चला लिया तो काजू की पेस्ट बन जाएगी, लेकिन हमें क्या है कि काजू पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो इस तरह से रुक रुक के चलाएंगे और बीच में चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारा काजू का पाउडर जो है वो परफेक्टली ग्राइंड होके रेडी है। आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का हमें काजू का पाउडर बनाना है। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक बड़ा सा स्टील का बॉल लिया है, उसमें काजू का पाउडर निकाल लेंगे। आप यहाँ छान भी सकते हैं काजू के पाउडर को, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा दरदरा या फिर काजू के टुकड़े रह गए हो तो आप छान सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं, मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने अमूल्या ब्रांड का मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। उसका नाप ये है कि जो बॉल भर के हमने काजू के टुकड़े लिए हैं उससे आधा मिल्क पाउडर डालना है। ये देखिए, तो चलिए अब मीठापन लाने के लिए चीनी का पाउडर डालते हैं। यहाँ मैंने आधा बॉल मिल्क पाउडर लिया था तो आधा बॉल चीनी का पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने दोस्तों, बाज़ार की जो काजू कतली आती है उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन घर पे बनाई हुई काजू कतली एकदम शुद्ध और बाज़ार वाली काजू कतली से कई गुना ज़्यादा किफ़ायती और सस्ती भी बनती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब मेन प्रोसेस में चलते हैं और वो है काजू कतली का डो बनाने की प्रोसेस। तो यहाँ मैंने 6 से 7 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है। तो एक साथ नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बस 2-3 चम्मच पहले डालेंगे इस तरह से, और हल्के हाथों से हम इस तरह से सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच और दूध डाल के ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड कर लिया है, यानी कि अच्छे से डो लगा लिया है। टोटल 5 चम्मच जितना दूध गया है मुझे इस तरह से डो लगाने में। तो काजू कतली के लिए जो हमें डो चाहिए वो परफेक्टली बनके रेडी है। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक पॉलीथीन ले ली है, उस पर थोड़ा सा घी रख देंगे। और ये पॉलीथीन तो हर कोई के घर में इजीली अवेलेबल होती है, इससे डो को अच्छे से मसला जा सकता है। तो अब क्या काम करना है कि हम डो को अच्छे से मसल लेंगे। पहले थोड़े हाथों से मसलेंगे, बाद में हम पॉलीथीन से इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से मसलेंगे ताकि जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ और शाइनी बन जाए। बहुत ही इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स। ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से डो को मसल के चिकना और स्मूथ कर लिया है।
इस तरीके का डो चाहिए, ये देखिए। चलिए बेल लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम काजू कतली के मिक्सचर को बेल लेंगे इस तरह। काजू कतली की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को पतली अगर पसंद है तो उस तरह से बेलें, लेकिन मैं यहाँ मीडियम थिक रख रही हूँ तो मैं उस हिसाब से बेलूँगी। ये देखिए बहुत ही इजीली बेला जा रहा है, यानी कि मिक्सचर जो है बहुत ही परफेक्ट है। तो ये लीजिए, काजू कतली का मिक्सचर अच्छे से बेल के रेडी है। आप इस स्टेज पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन ही रख रही हूँ काजू कतली। अब आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ डायमंड शेप देने वाली हूँ तो उस हिसाब से मैं कट करूँगी। आप पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं, उससे इजीली कट हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए अब डायमंड शेप दे देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, एकदम इंस्टेंट और यमी दिवाली स्पेशल काजू कतली बनके रेडी है। आपने देखा कि कितना आसान है बनाना, ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए कितनी आसानी से टूट भी जाती है और कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फिर देर किस बात की, आप भी इस दिवाली पे इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी मेरी रेसिपी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फिर मिलते हैं कोई अगली नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।